हिल क्लाइंबिंग वन ऑफ द टफेस्ट और मोस्ट डेंजरस मोड स्पोर्ट है। इसमें स्पेशली मॉडिफाइड व्हीकल्स के साथ साथ जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स और पेशेंस की जरूरत होती है। एक छोटी सी भी गलती इसमें बहुत भारी पड़ सकती है, इसीलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। केरल के बोट रेसिंग इवेंट्स पूरी दुनिया में फेमस हैं। आपने बागी मूवी में इस तरह की बोट रेसिंग देखी होगी। इस रेस में जबरदस्त स्टैमिना और टीम वर्क की जरूरत पड़ती है, पर अमेरिकन कंट्रीज में मोटरबोट स्टंट रेसिंग इवेंट्स ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इनमें बोट्स हाई स्पीड पर शार्प टर्न्स लेती हैं और कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है। यह है स्वैम बग्गी, यानी कि कीचड़ में चलने वाली गाड़ी। इनमें बहुत ही पावरफुल इंजन लगा होता है जो इन्हें पानी से भरे कच्चे ट्रैक पर भी काफी तेज चला सकता है। जहां नॉर्मल कार्स के लिए ऐसे ट्रैक पर चलना भी मुश्किल होगा, वहां ये गाड़ियां हाई स्पीड पर रेस करती हैं। हमारे यहाँ स्कूल बसेस के पीछे लिखा होता है सावधान, बच्चे हैं, और ड्राइवर्स भी बड़े आराम से बस को चलाते हैं। पर अमेरिकन्स को स्कूल बस में भी चैन नहीं है, वो लोग स्कूल बसेस के भी रेस करा देते हैं। ये है पिग एंड फोर्ड रेस, जिसमें लोग एक सुअर को गोद में लेकर रेस करते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रैली रेसिंग में एक ड्राइवर और एक को ड्राइवर की जरूरत पड़ती है डायरेक्शंस बताने के लिए। कोई नहीं मिला तो इन्होंने सुअर को ही को ड्राइवर बनाकर रेस करनी शुरू कर दी। और ये वाला तो मेरा फेवरेट है। बीच रेस में इसकी बाइक छूट गई और ये दूसरे की बाइक पर फंस गया। इसे थैंकफुल होना चाहिए कि दूसरे राइडर की हेल्प से ये ट्रैक पर गिरने से बच गया, लेकिन नहीं, बाइक से उतरते ही इसने उसे एक मुक्का दे मारा। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रुको जरा, सब्र करो। ये पक्का सल्लू भाई का फैन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।